तो काम की खबरों में सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला स्क्वाड्रन जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर किया स्थापित। पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मई महीने में आएगा जोधपुर, सेना के जमीनी अभियानों में होगा मददगार। राजस्थान के 12 ऐतिहासिक स्थलों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालयों का होगा निर्माण, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। देश के टॉप होली डेस्टिनेशन में उदयपुर और जयपुर शामिल, इन दोनों शहरों में आकर होली मनाने का क्रेज ज्यादा बढ़ा। ट्रैवल एंड लीजर की ओर से जारी टॉप 10 होली डेस्टिनेशन की सूची। परिवहन विभाग की कार्यवाही के दौरान अवैध वसूली के विरोध में राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स की 18 मार्च से हड़ताल की चेतावनी। रेलवे का जयपुर से भिवानी, रेवाड़ी से रींगस और उदयपुर से वैष्णो देवी कटरा के बीच होली स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला। प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम के लखी मेले के दौरान रेलवे आज से मंगलवार तक जयपुर से नारनौल के बीच स्पेशल ट्रेन का करेगा संचालन। मेले के दौरान 24 घंटे खुले रहेंगे श्याम बाबा के दर्शन। जयपुर के जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद के निकट जुम्मे की नमाज के दौरान गुजर रही पदयात्रा रुकी, डीजे किया बंद। बाद में मुस्लिम समाज ने श्याम भक्तों का किया फूल बरसाकर स्वागत। राजस्थान मेडिकल काउंसिल 1 अप्रैल से डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन करेगा ऑनलाइन और पेपरलेस, अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। पुलिस थाने में सुनवाई नहीं होने पर फरियादी 8764873137 नंबर पर फोन करके कर सकेंगे शिकायत, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया मोबाइल नंबर। राजस्थान में 48 आरपीएस ऑफिसर्स के तबादले, 8 एएसपी और 40 डीएसपी इधर उधर। जयपुर के निकट आंधी थाना क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस पर बजरी माफियाओं का हमला, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान विधानसभा में अब हर विधायक की सीट की डेस्क पर लगेंगे लैपटॉप। राजस्थान सरकार ने पंचायत राज और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। नई ईवी नीति का ऐलान, भारत ने टेस्ला समेत विदेशी ईवी निर्माता कंपनियों के लिए खोले दरवाजे, कस्टम ड्यूटी घटाई, 45% सस्ती होंगी ईवी कारें भारत में। गुजरात में परीक्षा केंद्र पर तबीयत बिगड़ने से 9वीं और 10वीं के 2 छात्रों को हार्ट अटैक, 1 की मौत। सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को करेगा सुनवाई। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के सिलसिले में हैदराबाद स्थित उनके आवास से लिया हिरासत में। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता बीएस येडियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर, एक महिला ने अपनी 17 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप, येडियुरप्पा ने कहा आरोप गलत, कानून अपना काम करेगा। सोने के आयात पर उछाल से देश का व्यापार घाटा 13% तक बढ़ गया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथा पारस ने कहा है कि सम्मान नहीं मिला तो छोड़ देंगे एनडीए। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू, केरल में रूसी नागरिकों ने विशेष पोलिंग बूथ पर डाले वोट। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव 8 अप्रैल को होगा, ये पद पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत के इस्तीफे से हुआ है खाली। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राहुल सिंह बने सीबीएसई के चेयरमैन।
राजस्थान में स्नातक और स्नातकोत्तर कॉलेजों में सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश की नई नीति मई महीने में होगी जारी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 मार्च रात 12 बजे तक।